इस टोटका के प्रभाव से दुश्मन पागल होकर तेलहंडा में चला जाएगा। जी हाँ भक्तों, इस टोटके का प्रभाव अगर किसी दुश्मन के ऊपर छोड़ दिया जाए तो वो पागल होकर तेलहंडा में चला जाएगा, यानी वो खुद अपना नुकसान कर लेगा। भक्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो के बैनर पर लिखे तेलहंडा शब्द का मतलब नहीं जानते होंगे तो मैं आपको बता दूं कि तेलहंडा का मतलब होता है गरम तेल की हांडी। अगर आप अपने जीवन में रोज नई बातों से अवगत होना चाहते हैं तो किसी भी वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में अनेक प्रकार के ऐसे ऐसे टोने टोटके मंत्र और उपाय बताए गए हैं जिनके द्वारा व्यक्ति अपने दुश्मन को पागल भी कर सकते हैं, किंतु ऐसे उपाय टोने टोटके और मंत्रों का प्रयोग तभी करना चाहिए जब आपके पास दूसरा अन्य कोई रास्ता ना रह जाए। तो इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं ऐसे ही कुछ टोटके और मंत्र के बारे में। भक्तों, ध्यान रखें कि आप इस मंत्र का प्रयोग अपने शत्रु पर तभी करें जब आपका शत्रु आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा हो और आप लोगों की कोई भी गलती ना हो, अन्यथा आप बेवजह इस मंत्र का प्रयोग ना करें और किसी व्यक्ति को बिना मतलब के परेशान ना करें। ध्यान रहे, इसका गलत प्रयोग उल्टा भी पड़ सकता है। ओम ह्रीम क्लीम भैरवी मातांगी त्रिलोक्य वश मान्य स्वाहा, ये जो मंत्र है इसका आप किसी भी शनिवार के दिन मंत्र का जाप आरंभ करें और इस मंत्र का 11,000 बार जाप करके इसे सिद्ध कर लें। जब आप इस मंत्र का जप सिद्ध कर रहे हो तो अपने सामने घी का एक दीपक जलाकर अवश्य रखें और उस घी के दीपक में आप 2 लौंग और 2 इलायची भी घी में डुबोकर रख दें। ध्यान रखें कि मंत्र का जप करते समय दीपक बुझना नहीं चाहिए, यह दीपक तब तक प्रज्वलित रहना चाहिए तब तक आप इस मंत्र को सिद्ध ना कर लें। जब आपको इस मंत्र की सिद्धि प्राप्त हो जाए तो आप इस मंत्र का 21 बार जप करें और जब आप 21 बार जप करें तो अपने शत्रु का नाम भी मंत्र के साथ लें। ऐसा माना जाता है कि इस मंत्र के प्रभाव से आपका शत्रु तुरंत पागल हो जाएगा और आपको परेशानी नहीं करेगा। अगर आप अपने दुश्मन को और ज्यादा दुख में देखना चाहते हैं तो माँ काली की आराधना करें। यह आप रविवार को पड़ने वाली अमावस्या के दिन करें। इसके लिए सबसे पहले स्नान करके पवित्र होने के बाद काला वस्त्र धारण करें। एक काला कपड़ा जमीन पर बिछाकर माता काली को उस कपड़े पर उत्तर दिशा की ओर मुंह करके विराजमान कर दें। ध्यान रहे कि मूर्ति का चेहरा उत्तर दिशा की ओर ही रहना चाहिए। अब आप साधारण विधि से माँ काली की पूजा करें। पूजा पूरी हो जाने पर अपने दुश्मन के नाम को एक नींबू पर लिखें और साथ ही साथ माँ से शत्रु मुक्ति के लिए प्रार्थना करें। उसके बाद रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र का जाप करें। मंत्र इस प्रकार है, क्री क्रीन शत्रु नाशिनी क्री क्रीन फट। जाप माला की संख्या 11 होनी चाहिए। हर एक माला जाप संपन्न होने पर काली माँ के सामने रखे हुए नींबू पर उड़द की दाल चढ़ाएं। जाप संख्या पूरी हो जाने के बाद उस नींबू को किसी मिट्टी की हंडिया में डाल दे और काला कपड़ा जिसमें माँ काली को विराजमान किया गया था उससे मटकी का मुहर बांध दें। अब इसे ले जाकर किसी सुनसान स्थान पर गाड़ दें और वहाँ से सीधा अपने घर आ जाएं और घर आते समय पीछे मुड़कर न देखें। घर पहुँचकर अपना हाथ पैर धो लें और अपना वस्त्र भी बदल लें और कोशिश करें कि आपका नजर 24 घंटे तक दुश्मन जिसके लिए टोटका किया गया हो उस पर न पड़े। शत्रु शमन के इस टोटके के बाद शत्रु अपनी शत्रुता भूल जाएगा और आपसे दोस्ती करने पर उतारू हो जाएगा। चाहे आपका दुश्मन कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसका मति भ्रष्ट कर देगा ये टोटका। लेकिन अगर आप इस टोटके का गलत प्रयोग करेंगे तो आपके साथ उल्टा भी हो सकता है। उल्टा का मतलब ये है कि जितना प्रभाव आपके दुश्मन पर ये छोड़ता वो सारा प्रभाव आपके ऊपर छोड़ देगा। याद रखें कि ये टोटका सिर्फ आपके दुश्मन पर ही अपना प्रभाव छोड़ेगा, किसी बेकसूर पर नहीं। ये टोटका अपना प्रभाव 24 घंटे के अंदर छोड़ना प्रारंभ कर देता है और व्यक्ति का पागलपन धीरे धीरे बढ़ने लगता है। जब भी आप इस टोटके को करना चाहें तो किसी अनुभवी तांत्रिक या ज्योतिषाचार्य से अनुमति लेने के बाद ही करें। तो ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखें। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके दरबार की घंटी जरूर बजा दें।